My dear friends, I am JC Chaudhry. Today is my 8th lecture of numerology. And today's lecture is very interesting. It is on the gemstones. Har aadmi kabhi na kabhi kisi na kisi gemstone ko wear karta hai. आज के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि जेमस्टोन की ज़रूरत किसको है, क्यों है, ये जेमस्टोन कितने तरह के होते हैं, कब पहनने चाहिए, कैसे पहनने चाहिए, किस उंगली पर पहनने चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो ये एक जेमोलॉजी एक अलग किस्म की साइंस है जिसमें कि जो बेसिक फंडामेंटल्स इसमें हम ध्यान में रखते हैं कि ह्यूमन बॉडी 7 कलर्स की बनी होती है, या ये कह सकते हो इसमें 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विबग्योर. विबग्योर का मतलब है वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, O for orange and R for red. तो ये जो 7 colors हैं हमारी body के अंदर, ये 7 colors हमारी body को perfect बनाते हैं. अगर हमारी body में इन 7 colors में से कोई भी color अगर absent होगा तो उस चीज का ये body expression दिखाएगी. मान लीजिए किसी आदमी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आप उसको प्रोटीन रिच डाइट दे दीजिए, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और जो सिम्टम्स आप देख रहे थे डेफिशिएंसी के वो गायब हो जाएंगे. ठीक उसी तरीके से जब जब हमारी बॉडी के अंदर कोई कलर एब्सेंट होता है या मिसिंग होता है और उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कलर ना होने के, तो हम उस कलर का उस व्यक्ति को स्टोन पहना देते हैं ताकि वो कलर की कमी को पूरा किया जा सके. स्टोन्स जो प्रीशियस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और कई बार इसको लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते. ऐसे केसेस में अगर हम उस पर्टिकुलर कलर के उसको क्लॉथ पहना दें, उस पर्टिकुलर कलर का उसको धागा पहना दें, तो कुछ एक्सटेंड तक वो डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है, नॉट परफेक्टली. तो इसलिए किस व्यक्ति को स्टोन्स की जरूरत है, जेम्स की जरूरत है, जिसकी बॉडी में इन 7 रंगों में से कोई रंग अगर एब्सेंट है तो, और अगर किसी की बॉडी में ये 7 कलर सारे ही प्रेजेंट हैं तो उसे किसी जेम स्टोन की जरूरत नहीं है. अब एक आम आदमी को कैसे पता लगे कि मेरी बॉडी में कौन सा कलर एब्सेंट है? बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं. इसके लिए हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसके नाम के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं हर अल्फाबेट के नीचे जो उसका नंबर है वो लिखिए, और इस तरीके से सारे के सारे अल्फाबेट के नीचे उनका नंबर लिखते चले जाइए. जैसे मान लो के है तो K का नंबर क्या होता है, 2 होता है. ऐसे O है उसका नंबर 7 होता है. लाइकवाइज वी विल कीप ऑन राइटिंग द नंबर्स बिलो ईच ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द नेम. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ कि चलो एक हम मान लेते हैं एक नेम है कोमल सक्सेना. अब इसमें K का नंबर क्या होता है, 2. O का क्या होता है, 7. M का क्या होता है, 4. A का क्या होता है, 1, और L का क्या होता है, 3. सक्सेना में S की वैल्यू क्या होती है, S का नंबर क्या देते हैं, 3. A का 1, X का 5, E का 5, N का 5 और A का 1. तो अब आप इन नंबर्स को देखेंगे तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 नंबर इसमें है. क्या आपको इसमें 6 नंबर दिखाई दे रहा है?
नो, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो 9 में से 3 नंबर इसमें मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, इज इट करेक्ट? तो इसी तरह से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, उसके नीचे आप भी डेफिनेटली नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए हर एक अल्फाबेट क्या है, और उस तरह देखें कि उसका क्या उसमें नंबर उसमें मिसिंग है। आप लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे कोमल सक्सेना की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 सितंबर 1956, ये हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं 26 सितंबर 1956। अब अगर आप इसमें देखें 26 सितंबर 1956 में, तो इसमें आपको 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा, 7 भी नहीं दिखाई दे रहा, 8 भी नहीं दिखाई दे रहा। इट मीन्स आउट ऑफ 9, 4 नंबर्स आर मिसिंग इन द डेट ऑफ बर्थ, वेयर एज प्रीवियसली वी हैड सीन दैट इन द नेम नंबर 6 वाज मिसिंग, 8 वाज मिसिंग एंड 9 वाज मिसिंग। अगर हम नेम और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों को कंबाइंड करके देखें, कलेक्टिवली देखें, तो फिर आप देखिए कि इस टोटल में से केवल एक ही नंबर ऐसा है, दैट इज नंबर 8, जो कि मिसिंग है। और 8 नंबर कौन से प्लेनेट का होता है? सैटर्न का। और सैटर्न के लिए स्टोन कौन सा रिकमेंड होता है? ब्लू सफायर। तो इसका मतलब है इस आदमी को ब्लू सफायर पहनाया जाए तो वो कमी जो होती है 8 नंबर की, वो कंपनसेट की जा सकती है। इसी तरह से अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, सतविंदर सिंह, इसमें एस की वैल्यू क्या है? 3, ए की वैल्यू क्या है? 1, टी की वैल्यू 4, वी की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 4, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2, और सिंह में एस की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 5। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें इन नंबर्स को, तो इसमें 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। क्या 7 दिखाई दे रहा है? नो। 8 दिखाई दे रहा है? नो। 9 दिखाई दे रहा है? नो। इसका मतलब है इसमें 3 नंबर्स मिसिंग हैं, 7, 8, 9। अगर मान लो सतविंदर सिंह की हाइपोथेटिकली डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 13 फरवरी 1962, 13 फरवरी 1962 इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर देखें, तो इसमें आप देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग हैं, तो यू विल फाइंड इसमें 4 नंबर नहीं हैं, 5 नंबर नहीं हैं, 7 नंबर नहीं हैं, 8 नंबर नहीं हैं, 4 नंबर इसमें मिसिंग हैं। और अगर इनको हम दोनों को कलेक्टिवली देखें कि नेम और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों में मिला दिया जाए तो कौन से नंबर मिसिंग हैं, तो आप देखेंगे इसमें 7 नंबर नहीं हैं दोनों मिला के भी, 8 नंबर नहीं हैं। सो दीज आर द 2 नंबर्स विच आर मिसिंग। इसमें 7 नंबर जो होता है नेपट्यून का, इसका स्टोन होता है कैट्स आई, और 8 नंबर जो कि सैटर्न का नंबर है, इसका स्टोन है ब्लू सफायर। अब इन दो स्टोन में से कौन सा पहनाया जाए जो दोनों में से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा, उसी स्टोन को पहनाया जाएगा। तो 7 नंबर कैट्स आई, ये एक वीक स्टोन है, 8 नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग स्टोन, तो ही विल बी रिकमेंडेड विद द ब्लू सफायर। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर हम ये जानना चाहें कि किसी व्यक्ति के अंदर स्टोन्स की ज़रूरत है, जेम्स की ज़रूरत है या नहीं है, इसके लिए उसके नाम को लिखा जाए करेक्ट स्पेलिंग्स को, हर अल्फ़ाबेट के नीचे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर की होती लिखी जाए, और फिर देखा जाए 1 और 9 के बीच में से कौन से नंबर मिसिंग है, फिर डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिखे जाएँ उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, और फिर कलेक्टिवली देखे जाएँ कि इनमें टोटल में मिला के कौन सा नंबर मिसिंग है।
अगर तो उसमें 1 से 9 सारे ही नंबर अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है इसको जेमस्टोन की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ ए परफेक्ट बॉडी, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट। और उसमें अगर एक पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो उस नंबर का स्टोन उसको पहनाया जा सकता है। अगर 4 मिसिंग हैं, 3 मिसिंग हैं, 2 मिसिंग हैं, तो उनमें से भी जो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला स्टोन उसको पहनाना चाहिए। तो अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूं कि मुझे किसी स्टोन की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो किस स्टोन की ज़रूरत है, उनमें से कौन सा स्टोन मुझे पहनना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कौन से स्टोन स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, उनमें से भी रिलेटिवली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।